हेलो एंड वेलकम टू गेम ऑन। वीडियो की शुरुआत बस यहीं से करेंगे। भारत की दिवाली पाकिस्तान का दिवाला। जी हाँ, भारत ने पाकिस्तान को हराकर दिवाली मना ली, जबकि पाकिस्तान का इस हार के बाद दिवाला निकल गया। अब वो इस वजह से निकल गया कि अगर आप शुरुआत देखेंगे इस मैच में, पाकिस्तान बल्लेबाजी को आती है टॉस हारकर। शुरुआत फिर भी जबरदस्त, मतलब जबरदस्त तो नहीं कहेंगे, ठीक ठाक रहती है। अच्छे से पार्टनरशिप कर रहे होते अब्दुल्ला शफीक और उसके बाद इमाम उल हक। लेकिन फिर कहानी जब आगे बढ़ती है, क्या होता है, एक विकेट गिरता है, अब्दुल्ला शफीक आउट होते हैं, फिर इमाम उल हक आउट होते हैं। तब तक भी चलिए, दो विकेट होते हैं, 154 रन पर दो ही विकेट होते हैं, 155 पर तीसरा विकेट इनका गिरता है और उसके बाद 191 पर इनकी पूरी की पूरी टीम आउट। और ये पहली बार नहीं हुआ है। 2015 का वर्ल्ड कप उठा लीजिए आप, 2019 का, या फिर ये वर्ल्ड कप उठा लीजिए, ओडीआई में लगातार पाकिस्तान के साथ ये चीजें हुई हैं। और पिछले हम अगर 2-3 सालों से देखें तो सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे उनकी T20 के परफॉर्मेंस देख के कि पाकिस्तान शायद यहाँ पर एक अच्छा गेम दिखाएगा, टीम इंडिया को चुनौती देगा, एक मजेदार मैच, एक रोमांचक मैच फैंस को देखने को मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से खेल रहा है फिलहाल, तो ये 8-0 हुआ है, शायद 80-0 भी हो इन फ्यूचर, आप कुछ कह नहीं सकते। अगर इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे आप तो 80-0 हो सकता है, कोई हैरानी की बात नहीं होगी उसमें। अब अगर मैच की बात करें तो पाकिस्तान के दो बल्लेबाज बाबर आजम 50, मोहम्मद रिजवान 49, इन दोनों को छोड़ दें तो कितने रन बनाए होंगे टीम ने, मतलब 100 रन तो मान लीजिए लगभग इनके ही थे, 191 टीम ने बनाए हैं, उसमें से कुछ वाइड के लगवाए के भी होंगे, यानी मतलब किसी ने कुछ कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं किया और एक के बाद एक सब ढहते चले गए, पूरा पूरा कोलैप्स हो गया। टीम इंडिया की बात करें गेंदबाजी में, शार्दुल ठाकुर को छोड़कर सबने दो दो विकेट लिए, चाहे वो बुमराह हो, पांड्या हो, कुलदीप हो, जडेजा हो, या फिर कोई भी हो, मोहम्मद सिराज हो, सबने दो दो विकेट अपने नाम किए। जब बल्लेबाजी को आती है तो वहां पर रोहित शर्मा ने पहले मैच में लूटी 86 रन बनाए, 6 चौके 6 जबरदस्त छक्के, जो लैग पिछले मैच में दिखाई थी अफगानिस्तान के अगेंस्ट वो लय यहाँ पर कायम रखी, मतलब पूरी की पूरी वही चीज नजर आई उनमें जिस तरह से शुरुआत सही बल्लेबाजी की। शुभमन गिल ने भी शुरुआत में थोड़ा सा अच्छे हाथ दिखाए, लेकिन चलिए वो आउट हो गए, विराट कोहली भी आउट हो गए, लेकिन इसके बाद फिर श्रेयस अय्यर फॉर्म में लौटे, फॉर्म में तो थे लेकिन थोड़ा पिछले 1-2 मैचों में उस तरह से चीजें नहीं हो पाई थी। पिछले मैच में हालांकि अच्छा बॉल लड़ाकर नाबाद गए थे और यहाँ पर पूरी पूरी कसर निकाली और मैफिल लूटी, 2 छक्के उन्होंने भी लगाए, 3 चौके लगाए, अपने 50 बनाई और अपनी टीम को मैच जिता दिया पाकिस्तान के अगेंस्ट। और अब टीम इंडिया पहुंच चुकी है नंबर 1 पर, 3 जीत हो गई है, नेट रन रेट भी बहुत मजबूत हो गया है टीम इंडिया का।